विश्व में इतिहास से भी पुरानी प्राचीन और विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, इसकी सांस्कृतिक विरासत की ओर सिंहावलोकन करें या विहंगावलोकन, दोनों में कुछ ऐसे ऋषि तुल्य व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान परंपरा से कईयों को प्रभावित किया और उन्मुक्त भाव से सुपात्रों को कला कौशल का ज्ञान दिया। यह इनके लिए पेट का सवाल नहीं था, ये हृदय की उन मानस तरंगों की लहर थी जिनके आधार पर परंपराएं शाश्वत यात्रा के मार्ग प्रशस्त करती हैं। आज के हमारे स्मरणीय व्यक्तित्व 156 वर्ष याद करें, अपने पूरे अनुभव के ज्ञान सार तत्व को लेकर पूरे भारतवर्ष से काशी में आए हुए गुणीजन काशी के हो जाते थे और उनसे मिलना, उनका सानिध्य काशी में होना जैसा लगता था। ऐसे ही अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्वों में से एक थे पंडित प्रवर रामाजी शुक्ल। संगीत के वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, इस भाव पक्ष और इस रस पक्ष पर साधिकार सहभागिता करने वाले आचार्य प्रवर शुक्ल जी ने कभी संगीत में व्यावसायिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया। कहते हैं कि श्रद्धा स्वरूप यदि कुछ लेके भी गए लोग इनके पास सीखने के लिए तो बस एक पुरवा में थोड़ी मलाई लेके चले गए, इसके अलावा कुछ भी ग्राह्य नहीं था। उस गोरस के सार तत्व में, उसका स्वत्व और सत्व मलाई में, और इसके प्रत्युत्तर में अपने आत्ममंथन में जो कला क्षीर था उसकी मलाई सौंप देना परंपरा के व्यक्तित्व को, उसको सुपात्र को, यह बहुत बड़ी बात थी। आज जिनका नाम लेते हुए लोग गर्व से भर जाते हैं, ऐसे भारत रत्न बिस्मिल्ला खान साहब भी साक्ष्य है। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जिसमें पंडित रामोजी वयोवृद्ध 90 साल से ऊपर की उम्र में गा रहे हैं और बिस्मिल्ला खान साहब प्रसन्नता से झूम के वाह वाह कर रहे हैं। और ऐसे स्वनामधन्य न जाने कितने लोग इनके पास आए और उन्होंने उन्मुक्त भाव से सबको संगीत का ज्ञान दिया। अब मुझे संगीत के भूगोल और आज की सामाजिक व्यवस्था में उसके विशेषण को देना, ये सम्राट थे तो राजतंत्र था तो सम्राट, राजाधिराज इत्यादि कहे जाते थे। इस समय हम सम्राट इत्यादि कहें कि उनको मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहें, ये उपमाएं जो हैं छोटी हैं सृजन धर्मी के लिए, क्योंकि राज्यकाल जो है वह शासन तक रहता है, लेकिन मनोसाम्राज्य पर जो अनुशासन और स्मृति का आसन रखते हैं उनका यश का आसन जो है कभी समाप्त नहीं होता और कड़ी दर कड़ी परंपरा एक लड़ी बनकर बड़ी होती है। उस दृष्टि से चिरस्मरणीय रहेंगे हैं रामोजी शुक्ल, पद्म विभूषण
बहन गिरजा देवी यहाँ उत्सव जब मनाया गया इनकी स्मृति के बारे में, गिरजा बहन ने कहा कि जिन्होंने क्रय विक्रय के स्थान पर हृदय के मधुमय में तन्मय होकर संगीत का समय व्यतीत किया है, वह संगीतमय हो जाते रहे हैं। और ऐसी दृष्टि से एक व्यक्तित्वों को पंडित रामाजी शुक्ल की यश गाथा गाते हुए, यश गाथा बताते हुए मैंने सुना है। वह काशी की प्रतिष्ठा के बहुत ही सबल स्तंभ रहे हैं। उनकी यश काया, उनकी ज्ञान माया। आप भी लोग याद करते हैं कि बनारसी ठुमरी के बोल बनाओ और उसके उपज वाले पक्ष के अद्भुत धनी व्यक्तित्व थे रामोजी शुक्ल जी। तब रिकॉर्डिंग इत्यादि की उतनी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए बहुत एकाग्र तो वयोवृद्ध जब वो हो गए उस समय का एक रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी यश गाथा गाने वालों ने जो कहा है कि उनका जो ज्ञान था ठुमरी के बारे में वह विशुद्ध काशिकीय परंपरा का था। एक एक स्वर के पारस्परिक उपज के रस को पूरी तरह निचोड़ लेना, जहाँ आत्मविज्ञापन नहीं था, आत्मा अभिव्यक्ति थी, हर बोल बनाओ और उसमें डूबा जा सकता है। अगर खमाज की ठुमरी चल रही है तो गमा पधा निशा पूरा ऊपर नहीं चले जाएंगे, उस सा के बाद नीचे मनुष्य नी पर सा पर कैसे आए, फिर गा और सा ये पूरा करते हुए मैं एक एक क्रमानुसार स्वरों को चढ़ते हुए उसका रस निकष स्थापित करते हुए, उसका सत्व और स्वत्व स्थापित करते हुए आगे बढ़ना, और उसमें शिक्षाकार अनुकार रंजक के क्रम को पार करते हुए भावुक अवस्था तक संक्रांत होकर रसमयता तक पहुंचाने वाले ये कलाकार थे। आजकल कहा जाता है एमेच्योर, अब एमेच्योर मतलब शौकिया संगीत को जिन्होंने पकड़ रखा है इस अर्थ में लिया जाता है, लेकिन एमेच्योर की परंपरा जो काशी में है वह संगीत के बदले कुछ नहीं लेते थे, अब व्यावसायिक कहिए उन्हें, और एमेच्योर की बात वह इमेच्योर नहीं ए मैच्योर आर्टिस्ट थे। उनका संगीत ही उन्हें इतनी मैच्योरिटी देता था कि उसके बदले और कुछ लेने की शर्त वो स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे में तबला वादन के क्षेत्र में आशुतोष भट्टाचार्य जी का भी नाम लिया जा सकता है, लिया जाता है, उन्होंने आकाशवाणी तक से कभी भी कुछ नहीं लिया। इसीलिए निःशुल्क भाव से शुक्ल जी ने संगीत के शुक्ल पक्ष को जैसा निष्कलंक रखा वह अद्भुत है, अनुपम है, और यह अप्रतिम योगदान इनका जो रामाजी शुक्ल का था, वैसे यहाँ पर रामोजी लोग कहते थे उनको आदर से, और सबसे अपने ज्ञान गौरव के प्रतिफल में उन्होंने अकूत असीम आदर प्राप्त किया। निर्विवाद रूप से उन्हें ठुमरी के का गहन विद्वान और गायक के रूप में मान्यता मिली, और काशी में मान्यता मिलना आसान नहीं है। लोग कहते हैं तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जन्म को गाँव, और गुण अवगुण समझे नहीं लेत पुरानो नाव। तब भी काशी के होकर, काशी में होकर, काशी के द्वारा सबसे सर्वोत्कृष्ट शिखर सम्मान प्राप्त करना हो और काशी के जनमन में स्थापित होने वाले हमारे रामोजी शुक्ल जी एक विद्वान ठुमरी गायक के प्रपितामह के रूप में स्थापित माने जाएंगे, और पूरे वाराणसी के संगीत जगत को उन्होंने अपने ज्ञान से प्रभावित किया, भावित किया, और सद्भावित हुए सभी लोग, और सभी स्वीकार करते थे कि काशी के ये
अद्भुत संगीत नक्षत्र रहे हैं। यहाँ की संगीत बिरादरी से लेके, यहाँ के शैक्षिक वातावरण से लेके, जो भी इनको जानने मानने वाले हैं और जो उनके साथ समय के लोग नहीं हैं, उन्होंने परंपरा से प्राप्त विद्या के अंतर्गत इनका नाम उल्लेख पाया है और कहा है कि अद्भुत थे और अवधारधानी से ज्ञान देते रहते थे सबको, और ठुमरी में आपका गहन ज्ञान अब तक लोक प्रसिद्ध है और उनका नाम लिया जाता है। इस दृष्टि से हमारी इन्हें याद करने से चेतना की वह शाखा प्रशाखा भी जागृत हो जाती है कि कैसे ये कलाकार से, जो कि अपने विषय में डूब करके ज्ञान के समुद्र से अद्भुत अनुपम रत्न निकाल लिया सकते, जिनसे आज भी ज्योतित हो रही है संगीत की रत्न श्रृंखला। और सबसे बड़ा प्रमाण है जो गुरुवत स्वीकार का आदर देते थे रामोजी शुक्ल जी को, इन पंडित प्रवर को, ऐसे बिस्मिल्ला को भारत रत्न का सम्मान मिला। तो आप समझ लें कि यह रत्नों के रत्नाकर हमारे काशी के की अमूल्य धरोहर रामोजी शुक्ल कैसे गुणावतार थे, कैसे संगीतावतार थे। हम उन्हें अपने हृदय के निगूढ़तम मार्मिक श्रद्धा अर्पित करते हुए गर्व का अनुभव कर शुक्ल के स्मरण को करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र कर रहे हैं। आप सब इनके बारे में जानने का प्रयास करें और समझें यह कौन सा व्यक्तित्व था जहां आत्मविज्ञापन के स्थान पर आत्मा अभिव्यक्ति थी और आत्मा अजर अमर होती है। इस दृष्टि से माना जाए तो हमारे रामोजी शुक्ल की यह शिकाया आज भी विराजमान है। प्रणाम। हम सभी यत किंचित इनके बारे में जितने भी संस्मरण हैं उसे एकत्र करते हुए, संकलित करते हुए देखें वो कि वह कौन से मानवीय और कलात्मक जीवन मूल्य थे जिससे एक व्यक्ति महनीय व्यक्तित्व से पहुंचते हुए अपने कृतित्व के द्वारा चिरस्मरणीय हो जाता है। हम उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।